गाइस, टाटा टियागो लेनी चाहिए या नहीं, टाटा टियागो का माइलेज कैसा है, टाटा टियागो का एनवीएच लेवल कैसा है, इंजन नॉइज आ रहा है या नहीं आता है, बेरेबल है, नेग्लिजिबल है, कैसा है, टाटा टियागो में कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, टियागो लेनी चाहिए या उसके कॉम्पिटिटर में और जितने भी गाड़ियाँ हैं वो लेनी चाहिए या टिगोर लेनी चाहिए क्योंकि टाटा की गाड़ी है। अनगिनत सवाल टियागो के बारे में कमेंट्स में मुझे आए हैं और बार बार पूछे गए हैं। ये सब सवाल आपके मन में भी होंगे और मैं चाहता हूँ कि आज इन सब के आंसर्स एक वीडियो थ्रू ही दे दूँ। तो आज का सेशन QnA सेशन टियागो के यूज़र राहुल भाई है मेरे साथ, इनका जेन्युइन यूज़र एक्सपीरियंस रहा है टियागो के साथ और जो भी आज है उसकी खूबियाँ उसकी खामियाँ सब कुछ आज ये क्लियर कर देंगे हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं, मेरा नाम है शांतनु, मेरे साथ आज है राहुल और टियागो का QnA सेशन कर लेते हैं। जिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे एक बार फिर थैंक यू कहना चाहूँगा और जिन्होंने नहीं किया उनको कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, कुछ सवाल शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं हमने जो बार बार पूछे गए थे कई लोगों ने। अब मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि गाड़ी लेते समय हर कोई रिसर्च करता है और आज मैं चाहता हूँ कि सबके आंसर्स दे ही दो। राहुल भाई है मेरे साथ, वीडियो शूट कर रहे हैं और सवाल उन्हीं के पास है तो सवाल वो पढ़ेंगे और कुछ के आंसर्स मैं कोशिश करूँगा देने की, कुछ के आंसर्स राहुल भाई ही देंगे क्योंकि टियागो के यूज़र राहुल भाई है, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है टियागो के मामले में मेरे से। तो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल कार खरीदे हम या ऑटोमेटिक कार खरीदे हम टियागो में? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसलिए आता है क्योंकि लोगों को अब तक ये पता नहीं है कि वाकई में टाटा की ऑटोमेटिक कार्स अच्छी है या नहीं। गाइस, ऑटोमेटिक कार्स तो अच्छी है, AMT ट्रांसमिशन है, लेकिन आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा यूज़ कहाँ होने वाली है, सिटी में होने वाली है या आप हाईवे ट्रिप्स भी प्रेफर करेंगे ज़्यादा। तो आई विल से सिटी के लिए ऑटोमेटिक बेस्ट है, झंझट ही नहीं गियर में हाथ बदलने का, लफड़ा ही नहीं, वो मस्त पैरों पे कंट्रोल पूरा। और अगर आप हाईवे पे चलाने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी ले, एक तो आपको बेटर एवरेज भी मिलेगा उसमें और दूसरी चीज़ आपको बार बार हाईवे पे गियर बदलने की दिक्कत नहीं आती। तो ये मेरा ओपिनियन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू फॉर मनी कौन से वेरिएंट है टियागो के अवेलेबल वेरिएंट्स में से? वैल्यू फॉर मनी टियागो के लिए मेरे ख्याल से XT मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आपको 4 ट्विटर्स नहीं आएंगे और एयरबैग्स नहीं आएंगे और मेरे ख्याल से ABS-EBD आ जाता है। नहीं, ABS-EBD नहीं आएगा। ABS-EBD भी नहीं आता। अगर वो सब चाहिए तो आप XZ के लिए जा सकते हो। फ़ायदा XT का है ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स अगर छोड़ दिए तो, सेकंड थिंग ग्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम और कंपैरेटिवली प्राइस मेरे ख्याल से 60,000 से कम है। इज़ करेक्ट? राइट करेक्ट। तो यस, XT मॉडल मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है दोस्तों, तो थोड़े पैसे डाल के XZ भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सिंपल गणित है, अगर आपका रनिंग 1500 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला है या फिर चलिए सेफ साइड पकड़ लेते 1800 किलोमीटर पर मंथ से ज्यादा होने वाला है तो आई थिंक आपके लिए डीजल बेटर रहेगा क्योंकि एवरेज अच्छा मिलेगा। एक दूसरी बात, डीजल सस्ता है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपका रनिंग 1499 किलोमीटर भी होने वाला है पर मंथ तो मैं कहूँगा पेट्रोल के लिए चले जाइए
वरना जो डीजल कार के लिए एक्स्ट्रा पैसे जो भरते हैं हम लोग, वो हमारे रिकवर नहीं होते, वसूली नहीं होंगे वो। तो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है तो डीजल, 1500 किलोमीटर से कम होने वाला है तो एनी टाइम पेट्रोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लोअर नॉइस, इंजन नॉइस एंड NVH लेवल्स। तो एक्चुअली ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बहुत बार आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, टियागो में ब्लोअर नॉइज़ है क्या? ये एसी चालू है, आ रहा है आपको, आपको जज कर सकते हो। देखिए एसी अगर मैंने 3 या फिर 4 पे कर दिया तो ब्लोअर नॉइज़ आता है थोड़ा सा, लेकिन कूलिंग काफ़ी अच्छा है तो ब्लोअर नॉइज़ के ऊपर मैं तो कूलिंग प्रेफर करता हूँ। और इतना नहीं है ब्लोअर नॉइज़, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, काफ़ी नेग्लिजिबल है। दूसरा था इंजन नॉइज़, इंजन नॉइज़ भी आप लोग देख सकते हैं, इंजन नॉइज़ का बहुत ज़्यादा इशू बना के रख दिया है कॉम्पिटिटर्स ने, जो कि इतना है नहीं। और ये अगर मैं आवाज़ बढ़ा दूंगा ना इसका तो मेरा नॉइज़ भी सुनने नहीं आएगा आपको, तो इंजन नॉइज़ तो दूर की ही बात है, क्वाइट नेग्लिजिबल इंजन नॉइज़, इतना ज़्यादा नहीं है, उसके बेसिस पे गाड़ी को जज मत कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू। ओके, नेक्स्ट इज NVH लेवल। NVH लेवल, देखिए NVH लेवल पास होने के बाद ही गाड़ी को रोड पे लाया जाता है, उससे पहले नहीं। तो स्टैंडर्ड NVH लेवल है, जो भी बाकी की गाड़ियों का होता है उतना ही है, और वो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सो इतना मतलब उस पर उसका इशू करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंजन नॉइज थोड़ा सा है, ज़रूर है, बाकी गाड़ियों के मुकाबले 5 से मैं कहूँगा 8 से 10% ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ बेरेबल। इंजन नॉइज़ इसीलिए है क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, ये हम लोग भूल जाते हैं, गाड़ी माइलेज बहुत अच्छा देती है इसकी वजह से। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है कि टाटा टियागो का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो टच स्क्रीन आता है या नहीं आता है, और इसका जो पार्किंग सेंसर है, रेयर पार्किंग कैमरा, वो रेयर पार्किंग कैमरा आता है या नहीं आता। बहुत लोगों का ये डाउट है कि कैमरा आता है कैमरा नहीं आता है। ओके, मेरे ख्याल से ये दिखाई देते हैं सभी को। तो दोस्तों टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है टाटा टियागो में, इवन टॉप एंड मॉडल में नहीं आता है, एक्जी में नहीं आता है, लेकिन हम उनका ही इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जिसमें ऑलमोस्ट वही सब फीचर्स मिल जाते हैं, स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा छोटा आएगा लेकिन फीचर्स वही आ जाएंगे। रेयर पार्किंग कैमरा तो नहीं है लेकिन रेयर पार्किंग सेंसर ज़रूर है। तो जब भी हम लोग गाड़ी रिवर्स में डालते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसर्स आ गए हैं, यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो कौन से सेंसर के करीब ऑब्स्टेकल है ये आपको दिख जाता है, इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है रिवर्स पार्किंग में, लेकिन कैमरा नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा टियागो का इंजन जो है वो 3 सिलेंडर पावर्ड इंजन है, तो उसमें पावर क्या कम मिलती है हमें या पावर ज़्यादा मिलती है, या किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है पावर वाइज अगर हम बात करें तो? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। यस, पावर थोड़ी सी कम मिलती है, जेन्युइनली अगर आपको बताऊँगा तो पावर थोड़ी सी कम मिलती है। हाई स्पीड्स में ये समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन लोअर RPM में पिकअप कम मिलता है, ये सही बात है। फिर भी हम लोग 3 सिलेंडर इंजन क्यों प्रेफर करें, ऐसी क्या ज़रूरत आएगी हमें, हम लोग 4 सिलेंडर इंजन के लिए क्यों नहीं जाए? क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से भले ही थोड़ी सी पावर कम मिले लेकिन माइलेज ज़्यादा मिलता है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, माइलेज बहुत अच्छा मिलता है और हाई स्पीड्स पे हाईवे पे परफॉर्मेंस गाड़ी का काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हाई स्पीड्स पे पिकअप की कोई दिक्कत नहीं आती, भले ही वो इंजन 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो। और मैंने गाड़ी या हाईवे पे बहुत चलाई है, टिगोर चलाई है रैदर, लेकिन सेम इंजन है टिगोर में भी। तो यस, परफॉर्मेंस वाइज इंजन में थोड़ा सा लैग ज़रूर है, लेकिन उसी परफॉर्मेंस वाइज इंजन का माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा टियागो का गियर का वाइब्रेशन कैसा है, गियर लीवर का? मेरे ख्याल से दिखाई देते हैं ना,
मुझे तो दिख नहीं रहा है, फील भी नहीं हो रहा है, हाथ रखने पर थोड़ा सा वाइब्रेशन जरूर आएगा क्योंकि ये इंजन से कनेक्टेड होता है गियर। सेकंड थिंग, मैं एडवाइस करूँगा कि ऐसे हाथ रख के कभी गाड़ी ना चलाए, जब गियर डालने की ज़रूरत आती है तभी उस पर हाथ रखें, क्योंकि ये लीवर पे प्रेशर बन बन के लीवर ख़राब होने की दिक्कत हो सकती है, उसमें वाइब्रेशन उससे बढ़ सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वाइब्रेशन तो है नहीं, तो यस अगेन अनदर मिथ क्रिएटेड बाय कॉम्पिटिटर्स आई वुड से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा टियागो का बूट स्पेस कितना है? यार ये हर गाड़ी का बूट स्पेस याद रखते रखते ना मैं उसकी बर्थडे भूलने लगे हूं। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप ज्यादा बेटर दे सकते हो राहुल भाई। टाटा टियागो का बूट स्पेस एक्चुअली 242 लीटर्स का आता है, 242 लीटर्स, और वो बहुत सफिशिएंट हो जाता है दो तीन लोगों के सामान रखने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। इसमें मेरा आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन भी है राहुल भाई। जी जी बोलिए। जो एज अ यूजर मुझे है जी जी, एक्चुअली में सफिशिएंट होता है जी, सफिशिएंट लॉन्ग ट्रिप अगर हम लोग कहीं एक 8-10 दिन के ट्रिप के लिए जाए तो क्या चार लोगों के लिए, स्टैंडर्ड चार लोग तो बैठते ही है गाड़ी में, तो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है या नहीं? जी देखिए, आप 8-10 दिन की ट्रिप बोल रहे हैं और चार लोग ट्रैवल करने वाले हैं, तो चार लोग ऑन एन एवरेज अगर हम चार भी बैग्स ले लें, चार बड़े हर किसी का एक बैग, तो वो इजीली तो नहीं आएंगे, पर तीन बैग्स तो बहुत इजीली आ जाएंगे। okay. आपको फोर्थ बैग अगर पीछे रखना पड़ेगा या अगर आपने कैरियर लगाया तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, पर तीन बैग्स तो बहुत आराम से आ ही जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मतलब अगर फोर्थ बैग रखना ही है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके या फिर थोड़ा छोटा बैग लेके, वैसा एग्जैक्टली अगर तीन बैग बड़े और एक बैग छोटा है, एक बैग हैंडबैग है अगर आपका, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा चार बैग्स के लिए, लेकिन तीन बैग तो बहुत आराम से आ जाएंगे। सो 242 लीटर बूट स्पेस। ओके, ये सवाल पूछने के पीछे का रीजन मेरा ये था क्योंकि बहुत से लोग बूट स्पेस की वजह से सेडान क्लास की तरफ जाते हैं, हैचबैक प्रेफर नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हुआ ही होगा, आई होप सो। बराबर, थैंक यू सो मच राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा टियागो का एवरेज कितना आता है? देखिए एवरेज गाड़ी का गाड़ी से ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले पे डिपेंड करता है, ऐसा मेरा मानना है, और राहुल भाई गाड़ी ये ज़्यादा चला रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ये भी आंसर वही दे। जी संतरु जी, टाटा टियागो का एवरेज, अभी जैसे हमने एक रिसेंट एक ट्रिप किया था, आपको तो याद ही होगा, अनफॉर्चुनेटली हम उसका वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हम थोड़ा काम में बिजी थे उस टाइम पे, वो तो वीडियो मेरे ख्याल से बनना चाहिए था, लेकिन वो प्लान करेंगे एक और वीडियो का। तो हुआ ये था फ्रेंड्स कि हम एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे उस दिन, और हम पुणे से मुंबई जा रहे थे, तो हमें एक्सप्रेस हाईवे पे कंसिस्टेंटली एवरेज 26.5 का मिला था, जो कि हमें डिस्प्ले पे भी दिखाया गया था, और अगर हमने कैलकुलेट किया तो भी हमें कंसिस्टेंट 26.5 का एवरेज मिला था। गाड़ी मैक्सिमम टाइम शंतनु जी चला रहे थे, एक्सप्रेसवे की बात है, और एक्सप्रेसवे की बात है जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था जी। गाड़ी हमारी टियागो यही गाड़ी थी, XT वेरिएंट वाली जो अभी आप देख रहे हैं, इको मोड पे थी गाड़ी तभी, इको मोड पे थी गाड़ी, हमें 26.5 का कंसिस्टेंट एवरेज मिला था एक्सप्रेसवे पे। शंतनु जी ज्यादा रेव भी नहीं कर रहे थे, वो एक कंसिस्टेंट स्पीड पे चला रहे थे, मैं कहूंगा वो 90 तक चला रहे थे, वो 90-100 के बीच में थी और उससे ऊपर नहीं गए थे वो, तो हमें 26.5 ये एवरेज मिला। और जैसे ये मुंबई एंटर कर गए तो हम एक्चुअली पीक आवर्स में पहुंच गए थे मुंबई, तो हमें थोड़ा ट्रैफिक लग गया तब, और हमारा एवरेज फिर थोड़ा घट गया, उस टाइम पे हमारा कुछ 23.7 तक गया था, पर मुंबई ट्रैफिक में भी 23.7 तक आ गया था हमारा एवरेज। सो आई वुड से 23-24 तक मिल जाता है एवरेज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मिलना ही चाहिए उतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस कॉस्ट कितना आता है ऑन एन एवरेज टाटा टियागो का? मेरे ख्याल से ये आंसर भी आप ही को देना चाहिए। सर्विस कॉस्ट देखिए, आप जब व्हीकल खरीदते हैं टाटा टियागो, आप जब खरीदेंगे या टाटा की आप कौन सी भी गाड़ी खरीदेंगे, तो आपको तीन कूपन सर्विस कूपन उनकी तरफ से फ्री में मिलते हैं, जो कि आपके सर्विसिंग के चार्जेस कवर करती है। तो आपका इंजन ऑयल चेंज करेंगे, आपका जो भी कुछ मेंटेनेंस रहेगा गाड़ी का, वो आपका एक साल के लिए, फर्स्ट साल के, फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री रहेगा, तो आपको 0 रुपीज़ पे करने हैं उसके लिए, और फिर उसके बाद कंसिक्वेंटली आपको 2,000, 2,500, 3,000 तक जितना कितना आपके पार्ट्स अगर कुछ खराब हुए तो एडिशनल चार्जेस, तो इस हिसाब से चार्जेस लगता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 5-6 साल के लिए
20 से 22 हज़ार तक जा सकते हैं। एग्जैक्टली उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, कुछ मेजर आपका हो जाता है प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट वेरी करता रहेगा, पर ये फिक्स रहेगा इतना, उससे ज़्यादा नहीं जाना। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल, टाटा टियागो लेनी चाहिए या नहीं? राहुल भाई, आपके ओपिनियन? बिल्कुल खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, तकलीफ का मौका ही नहीं आएगा आपको, खरीद लीजिए। देखिए, मैं बायस नहीं रह सकता, टाटा टियागो वाकई में गाड़ी तो अच्छी है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको बता दिए है, जो कि मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा नहीं है। एक गैम्बल रहता है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस का, उस पर जो प्रीवियस वीडियो डाली थी टिगोर की, पार्ट वन डाला था वो, क्योंकि गाड़ी अब तक ली नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेटर रहा। एक सवाल भी आया था उस पर कि कैमरे की वजह से आपकी मेहमान नवाजी इतनी अच्छी हुई क्या? तो दोस्तों, उन्हें पता नहीं था कि हम लोग शूट कर रहे हैं, और उन्हें ये पता नहीं था कि शूट करने के बाद हम लोग यूट्यूब पे डालने वाले हैं। और उसमें अगर आप जनरली भी चले जाओगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस कर लो, जाके सिर्फ बैठ जाओ सर्विस सेंटर में या फिर शोरूम में, आपको चाय पानी के लिए पूछने आ जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और पानी पूरी तो बाकी लोग भी खा रहे थे, चाट बाकी लोग भी खा रहे थे, तो मेरे अकेले की, मेरे कैमरे की वजह से उन्होंने नहीं मंगवाया था वो वहाँ पे। तो लेकिन देखते हैं पार्ट टू में क्या है, मेरे ख्याल से तो गाड़ी ठीक हो ही जाएगी, इतना कुछ बुरा नहीं होगा। तो मैं भी शायद यही ओपिनियन दूंगा कि गाड़ी अच्छी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। जो भी हाइप करके रखा है लोगों ने इसके प्रॉब्लम्स, मेरे ख्याल से तो इतने हैं नहीं, क्वाइट नेग्लिजिबल है। और इस प्राइस पॉइंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो आई थिंक आपको मोर देन एक्सपेक्टेड फीचर्स मिल रहे हैं गाड़ी में। तो ओवरऑल अ नाइस कार, आई गिव इट अ थम्स अप, आई विल गिव इट अ थम्स अप। ऑलराइट, तो दोस्तों, हाँ, आई होप कि आपके मन में जो सवाल थे वो आंसर हुए हो। अगर और कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। देखिए, गाड़ी तो बढ़िया है, इस प्राइस पॉइंट में जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे काफ़ी ज़्यादा ही मिला है, तो नो डाउट अबाउट दैट। अगर फिर भी आपके मन में कोई और सवाल हो टियागो से रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनको आंसर करूँ। अगर आप चाहते हो कि एक और Q&A सेशन हो टियागो के ऊपर, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। और राहुल भाई की गाड़ी है तो उनके भी एंडिंग कमेंट्स सुन लेते हैं गाड़ी के ऊपर, क्या वो कहना चाहेंगे। गाड़ी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, बिना डाउट के अगर आपको ये प्राइस पॉइंट पे जाना है गाड़ी को, तो आप ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी ये गाड़ी खरीद के। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, हमारे संतनु जी काफ़ी मेहनत करते हैं एक्चुअली वीडियोज़ बनाने में, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करते हैं, उसके बाद सैटरडे संडे वीडियोज़ बनाओ, एडिट करो, आप तक लाओ सारी डिटेल्स, तो काफ़ी मेहनत हो जाती है दोस्तों। तो एक लाइक तो बनता है यार, और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ और पूछना हो तो पूछिए, हम जल्दी ही आगे का भी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट Q&A का। तो प्यार बरसाते रहिए अपना कमेंट सेक्शन में, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और थैंक यू राहुल भाई को भी, क्योंकि मैं बहुत परेशान करता हूँ इनको, मैं बार बार इनकी गाड़ी मांगते रहता हूँ, क्योंकि आपके सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी आ जाते हैं बिना कोई कंप्लेंट्स, अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं आपके लिए। तो जी हाँ दोस्तों, एक और बार कहूँगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको, ताकि जो टियागो लेना चाहता है उसके भी कई सवालों के जवाब उसको मिल जाए। और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों, कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा आप अपना, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।